कैसे हैं गाइस। नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली के लिए मैं आप लेकर आया हूँ एक धांसू ट्रिक के साथ। आप कैसे किस तरह से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं विद इन सेकेंड में एंड विद इन मिनट में। तो गाइस चलिए भी पहले शुरू करते हैं। पहले आपको आपका गूगल सर्च करना है। गूगल पे ले आना के बाद आपको सर्च करना है पैन NSDL। टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक होगा होम पेज चला आएगा आपके पास। तो आप पैन कार्ड NSDL पे वेबसाइट देखो दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर ऑनलाइन सर्विस NSDL.com पे। जैसे ही मैं क्लिक कर दिया सर्च हो रहा है, then come to next page. Okay guys, then apply now. Okay, first time मैं कर रहा हूँ तो इसलिए apply now पे करना पड़ेगा। अगर मेरा अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो मैं कर सकता था, नहीं तो मैं apply now पे क्लिक कर रहा हूँ। देन मेरा पान इंडियन सिटीजन, अगर आप फॉरेन है तो फॉरेन भी कर सकते हैं। ठीक है चलो इंडिविजुअल कैटेगरी भी करना है। देन आपको आपका सरनेम लिखना है। ओके देन गोइंग टू आपका डेट ऑफ बर्थ भी डाल करना है। तो मेरा फिलअप कर दे रहा हूँ एंड पहला मेरा मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ। ठीक है 947 2 यस देन डेट ऑफ बर्थ में फिलअप कर रहा हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ। ओके कैप्चा फिलअप कर रहा हूँ अभी। देन गोइंग टू कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको डीज चेक कर लेना है। ठीक है अच्छे से, ठीक है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड उसके बाद आपको क्या करना है। ओके ठीक है देन आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, सबमिट कर देना। ईमेल थोड़ा छोड़ दिया हूँ मेरा सॉरी, तो ईमेल फिलअप कर देता हूँ। तो चलिए ईमेल फिलअप कर देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसा क्लिक कर लेते हैं आपका चला आ रहा है, देन आपका टोकन मिल जाएगा। ठीक है टोकन पे आपको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है, लोडिंग दे रहा है मेरा। तो आपको पहले क्या करना है ना, आपको नो फी एप्लीकेशन में कर रहा हूँ। देन आपको सबमिट EKYC में आपको क्लिक ऑलरेडी करना है। ठीक है उसके बाद आपका आधार का लास्ट इज 4 डिजिट आधार कार्ड का आपको देना है पीछे सर्च। ओके तो मेरा दे रहा हूँ मैं। देन आपको ये पे क्लिक करना है यस। ओके नेक्स्ट आपको चलाना रिटर्न आना है। तो आपको सब कुछ मेरा फिलअप है। देन जेंडर सिलेक्ट करना है आपको, मैं मेल हूँ। देन आपको उसके बाद फादर नेम क्लिक करना है।
शुक्रिया। पापा जी का नाम बता देता हूँ। ओके नेक्स्ट देन गोइंग टू, आपको आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अदर इनकम सोर्स पे क्लिक करना है जिसका सैलरी स्लिप पे क्लिक कर सकते हैं। एंड रेसिडेंटल पे अपोर्ट क्लिक भर नहीं भरना है क्योंकि आधार के हिसाब से सब ओरिजिनल ऑफिस एड्रेस आपको भी नहीं भरना है क्योंकि ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, तो मेरे को इंडिया, हम तो इंडियन हैं ना भाई। देन मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको एरिया कोड आपको सिलेक्ट करना है मेरे, ठीक है। एरिया कोड जैसे सिलेक्ट करते हैं तो स्टेट क्लिक से करने हैं। देन उड़ीसा सिटी नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके देन मैं थोड़ा डिवोर्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया फिर से दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आ गया, ठीक है। उड़ीसा उसको सिटी में थोड़ा सा वर्क करते हैं। अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब नेटवर्क का दिक प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा, ठीक है। चलिए न्यूज से ट्राई कर लेकर देखते हैं, ठीक है। एरिया कोड का प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है, इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन टाइप करने से उड़ीसा, उसके बाद ओके, देन सेकंड पे आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना आपको। देन आपको डिक्लेरेशन हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेस टाइप कर देना है, देन उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद योर सैलरी कंफर्म डिटेल देखिए, कंफर्म करने डिटेल आगे का हमारा आधार कार्ड का आगे का नंबर आपको देना है, अभी आगे का 5 डिजिट नंबर देना है आपको, ठीक है। तो मैं चलिए वो फिलअप कर लेता हूँ। ओके मेरा फिलअप कर रहा हूँ, 3236 6293। देन आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन कर करके, मेल रजिस्ट्रेशन नंबर, यस ओके। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है आपको, कौन कौन अगर छोड़ा है तो। देन ऑफिस ठीक है, यू को भी ठीक है, देन गोइंग टू प्रोसीड। फिर अभी मैं पेमेंट ऑप्शन आ गया, पेमेंट जैसे करेंगे आपका, पेमेंट अगर करेंगे तो आपका पेमेंट कट जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको फिर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आगे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। और जब जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड अगर वेरीफाई हो गया तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा OTP के थ्रू, ठीक है। तो यार वीडियो अगर लाइव अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई, थोड़ा करेंगे, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।